कक्षा नवी एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 7 का पहला हल करते हैं। ध्यान से देखना, कुछ नहीं है इसमें, समझ जाएगी। क्वेश्चन नंबर पहला बोल क्या रहा है, उपयुक्त सरल समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है सरल समीकरण का प्रयोग करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 99 पर क्यूब है, इसमें सरल समीकरण का प्रयोग करने के लिए बोल रहा है ना, तो सरल समीकरण का प्रयोग कैसे करेंगे देखते हैं। इस तरफ ये 99 है, अगर हम 100 माइनस 1 कर दे तो 99 हो जाएगा। इस पे क्यूब है तो क्यूब लगा दिए, हाँ? अब ये देखो सर्व समीकरण बन रही है, इसमें सर्व समीकरण हम लगाएंगे a प्लस बी का क्यूब वाला, ठीक है। क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए बी ए प्लस बी। इसको लगाने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ निकालना होगा मान, ए बराबर हम क्या मानते हैं, इधर ले लेते हैं, ए बराबर 100, बी बराबर माइनस 1, है ना। इस पे हम लगा देते हैं, ए क्यूब मेरा क्या है, ए क्यूब क्या है मेरा 100 है, तो 100 पर क्यूब प्लस बी क्या है माइनस 1, तब तो क्यूब प्लस 3, ए मेरा 100 है, बी मेरा माइनस 1 है, फिर क्या है 100 माइनस 1, ये ना। इसको क्यूब करेंगे, 100 गुना 100 यही करेंगे ना, क्या हो जाएगा 1 2 2 4 2 6, इसी तरह गुना होता है, यहाँ हो गया, लिख देंगे, ठीक है। प्लस का चिन्ह है, पहले माइनस वन गुना माइनस वन, तो क्या हो गया -1, तो माइनस प्लस क्या हो गया -1, माइनस और प्लस माइनस, 3 गुना 100 गुना 1 क्या हो गया 300, इधर क्या हो गया 99, यही हुआ ना। अब क्या करना है, 4 6, ठीक है, माइनस वन, इसको गुना कर देना, 9 3 27 के साथ मेरा 2 9 3 27 2 29, 2 0 है 2 0, ठीक है। अब क्या करना है, 2 2 4 2 6, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 29 701, ये हो गया। घटा दो इसमें 10 में से किया 9 9 में से 0 गया 9, और फिर क्या है 9 में से 7 गया 2, और फिर 9 में से 9 गया 0, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा 9, ये हो गया 97 0 299, ये हो गई आपकी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 7 का दूसरा है, 102 का क्यूब है, तो उसी तरह इसमें भी सरल समीकरण बनाएंगे। इसको 100 प्लस 2 का होल क्यूब कर सकते हैं, ठीक। इसमें a बराबर हो गया मेरा 100, b बराबर हो गया मेरा 2, तो वही सब समीकरण यूज करेंगे, a प्लस बी का क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए का मान 100 है, 100 का क्यूब प्लस बी का मान मेरा 2 है, तो 2 का क्यूब प्लस 3, ए मेरा 100 है इंटू 2, ए मेरा 100 है प्लस बी क्या है 2, गुणा कर देंगे, अब कुछ नहीं करना है, 2 2 4 2 2 2 4 5 6, प्लस 2 2 4 4 2 8, इधर हो गया मेरा 300 2 6 600, इधर हो गया मेरा 102,
क्या हो गया, दो दो चार दो छ प्लस आठ जोड़ हो जाएगा, छह दूनी बारह केरी दो, अब मेरा एक छह कम छ, ठीक है, दो सुनना है दो। अब इसको कर देंगे दो दो चार दो छ प्लस छ एक दो दो जीरो आठ, जोड़ देते हैं इसको, आठ जीरो दो एक छ जीरो एक, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सात का तीसरा, और ये सात नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, सात का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, नौ नौ आठ, नौ नौ आठ का क्यूब है, ये तीसरा है। इसमें भी सिर्फ जिस तरह अगली क्वेश्चन किए थे हम लोग अभी बनाया, सेम टू सेम वही है, वही करना ही है। इसमें हंड्रेड नहीं बल्कि थाउजेंड बनाएगा और माइनस टू, यानी कि एक हजार में दो अगर घटाते हैं हम तो 998 मेरा पूर जाता है, क्यूब है क्यूब। इसमें भी वही करेंगे, ए बराबर क्या हो जाएगा, एक हजार, बी बराबर हो जाएगा माइनस टू, सर्व समीकरण लगाना है, ए प्लस बी का क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, बस कुछ नहीं करना है, मान रख देना, एक हजार का क्यूब प्लस दो का क्यूब प्लस थ्री एक हजार, बी कितना है मेरा, दो माइनस दो माइनस दो, हाँ मेरा ये हो गया मेरा एक हजार प्लस बी का मान है भाई मेरा माइनस दो, क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, करते हैं इसको तीन बार गुना करेंगे, तीन तीन छः तीन नौ को सुना आ जाएगा, तीन तीन छः तीन नौ, तीन तीन छः तीन नौ, ठीक है, नौ सुनना हो गया इसको, ये हो गया हमारा माइनस आठ, दो दूनी चार चार दूनी आठ, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये हो गया हमारा तीन हजार छः दो छः हजार, छः हजार इधर मेरा हो गया 998, सेम टू सेम वही करना है, अब जिस तरह पहले किए थे, दो दो चार दो छः दो आठ नौ, माइनस आठ माइनस इसको बड़ा करेंगे, आठ पंच चालीस, आठ छः अड़तालीस के लिए आठ, हम मेरा चार दो चुकी चौवन, चार अठावन के लिए आठ, हमारे पाँच दो चुकी चौवन और पाँच उनसठ, थ्री जीरो है थ्री लगा दिए, अब करना है दो दो चार दो छः दो आठ एक नौ, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस टू माइनस अच्छी होगा, इसको जोड़ देंगे लोगों को, फाइव नाइन डबल एट डबल जीरो एट, अब इसको घटा दो, दस में से आठ गया दो, यहाँ क्या बचा नाइन, यहाँ नाइन, यहाँ क्या बचा नाइन, नाइन यहाँ क्या हो गया, नाइन में से आठ एड किया वन, फिर नाइन में से एट जाएगा वन, फिर नाइन में से नाइन जाएगा तो जीरो, फिर नाइन में से फाइव गया तो फोर, यहाँ क्या बचा नाइन नाइन, ये हो गया आपका आंसर। आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।